इधर डाल। पहले कमाने वाला खाएगा या तुम्हारे जैसा लुच्चा? ये ले बेटा। इसमें मेरा नाम लिखा है। जाके कहीं और लिख। रोज रोज का नाटक है इसका। तुरंत निकल जा मेरे घर से। परेशान हो गई मैं इससे। भैया तुम अभी इसी वक्त इस निकम्मे को यहाँ से लेकर जाओ। इस गुंडे नालायक को हम और नहीं पाल सकते। हमारी जिंदगी को पूरा नरक बना दिया इसने। गलती तो मेरी है, काटा सींच कर बड़ा किया और अब हमें ही छिल रहा है। ये ले, बात कर। क्या सूरज? अरे मामा, माँ की तो आदत है बेमतलब का तमाशा खड़ा करने की। तभी तो तुझ जैसे तमाशे को अपने कोख से चुना है मैंने। सड़क के कुत्ते की तरह मरेगा तू। मेरी बात मानोगे? जी मामा। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ आ जाओ। अभी दे दो, बॉल दो। मैं नहीं मानती, इसने अपने भाई का सर फोड़ा है। देखा कितनी तेज है तुम्हारी बहन, अपना बोझ हमारे सर पर मार दिया उसने। तुम्हें तो उसका बचपन पता है ना, कुछ तो दया करो उस पे। तुम भी जाकर अपनी बहन के साथ ही मर जाओ। अच्छा किया तुम आ गए मामा। वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मामी बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना खाओ और थोड़ा आराम कर लो। जाओ। आइए मिस्टर लेट लतीफ,
तुम्हारे पति ना कभी टाइम पे नहीं आते. सॉरी यार, मीटिंग्स एंड मोर मीटिंग्स. दो घंटे में तीन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े. 360 क्रॉस, 260 क्रॉस एंड 56 क्रॉस. वाओ, और मेरा हिस्सा सब तुम्हारा ही है, जितना चाहे ले ले. दैट्स माय फ्रेंड. वैसे मेरी जाने मन गेम कैसा खेलती है? भाई आपकी मैडम तो बहुत कमाल का गेम खेल रही, क्या शॉट्स लगाती. तुम्हें किसी दिन आके इनका गेम देखना चाहिए. नहीं यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. इस गेम की वजह से अब ये मुझसे वक्त वक्त पर सवाल नहीं करती. खैर अब चलना चाहिए, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी. हाँ श्योर, गुड नाइट, बाय. कब जाना? चुप. आज भैया बिजी हैं, कल खेलेंगे. ओके. जानू नींद नहीं आ रही. कितनी बार कहा आपसे, आप भी मेरी तरह मेडिटेशन किया करो, आसानी से नींद आ जाएगी. मुझे देखना, फौरन घोड़े बेच कर सो जाऊंगा.
गुरुजी। कितने चाहिए बोलो, कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। 5 रुपए तक कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी? 10 लाख। तुम जैसे निकम्मे को कोई भीख भी नहीं देगा। 20 लाख। तुम्हारे जैसे गधे कैसे अपनी जिंदगी में कुछ कमा पाएंगे? ओके 50 लाख। यू नो माई स्टेटस, तुम बड़ा हाथ डालने की फिराक में हो, बट आई वोंट लेट दैट हैपन। यू अंडरस्टैंड? ए ए लिसन, हे स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। आई एम सॉरी, तुम ही टेप की कीमत बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे नहीं चाहिए, डरो मत। मुझे तुम्हारी मक्खन जैसी जवानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा उसूल अलग है। मैं मानता हूं कि दिल को दिल से बस छूकर वो सुख मिल जाता है जो बदन को बदन से खिसड़ खिसड़ कर नहीं मिलता। शट अप, 1 करोड़ लो और यहां से दफा हो जाओ। ना। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ये अमीर जिंदगी, समझी? नहीं, मैं मरते दम तक ना अमीर रहना चाहता हूं। कल को अगर मुझे ये गाड़ी चाहिए तो बस एक फोन कॉल, अगर मुझे 5-स्टार होटल में रूम चाहिए ना तो बस एक फोन कॉल। तुम तो धन का सागर हो, और जब जब मुझे पैसा चाहिए ना मैं उसमें डुबकी लगा लूंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पति के पास 13,000 करोड़ का बिजनेस है, और मैंने सुना है कि तुमसे शादी करने के बाद मां लक्ष्मी उन पे मेहरबान हुई हैं। अब तुम उसके दिल में देवी जैसी बसी हो। वाह, और देवी से कोई हिसाब थोड़ी ना मांगता है। तो सेनोरिटा, तुम मुझे 25 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट दे दो आज, और मैं ये डील पक्की समझूंगा। भाई लोग, मुंबई आ जाओ मुंबई, यहाँ पे सब मस्त सेट हो गया है। मटो, ए बटना, अबे इधर ही जाना है, वहां पर जाने का भाव बोल रहा है क्या? ओए सूरज।
अबे सूरज जयकुमार अचानक इतना पैसा किधर से आ रहे? तू कोई अंडरवर्ल्ड के साथ तो काम नहीं किया रे? मेरे को तो ओनली पुलिस से डर लगता है, तेरे लिए तो सिक्योरिटी गार्ड ही काफी। अच्छा गाइस गाइस सुनना, तूने कोई पूरी अभी लड़की पटाई है क्या? जब भगवान देता है ना छप्पर फाड़ के देता है, अब मत पूछ किसका छप्पर फटा। किसी का भी फटे, माल तो अपने झोले में ना। This is ridiculous. एक हफ्ते में उसने 75 लाख रुपए फूंक दिए। अरे आजकल 50,000 रुपए में एक आदमी का आचार बन जाता है। तुम बस एक बार हाँ कह दो, I'll kill that bastard. Hello. Hey, तू कब आया? बस अभी अभी 5 मिनट पहले। अरे तू इतना पैसे के पीछे क्यों भागता है? अपनी बीवी का भी ख्याल रखा कर। क्यों, क्या हुआ? उनकी गर्दन में स्प्रेन आ गया है, उसे फोन देना। श्योर। हाय डार्लिंग। हे जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ गर्दन में थोड़ी सी मोच आ गई थी। मोच? कैसे? डॉक्टर को दिखा? नहीं, बस थोड़ा सा आराम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो काम में मन लगना भी मुश्किल है। आशीष को फोन देना। Of course, darling. One second. हाँ बोल। उसे मेरी बीवी रहने देना, चैंपियन मत बना। Of course, my friend. Bye. क्या हुआ? Come on. Just had it. क्या हुआ तुम्हें? बस और अब नहीं आशीष, एक हफ्ते से मैं खुद में घूट रही हूँ। एक सड़क छाप लड़का आकर कहता है कि प्यार जिस्म से नहीं दिल से होता है, फिर ये हम कैसे भूल गए? हाँ देखो, एक बार करोगी तो गलती लगेगी, बार बार करोगी तो स्टाइल बन जाएगा। आई डोंट वॉन्ट दिस स्टाइल। तुम उस कमीने की वजह से कंफ्यूज्ड हो रही हो, पहले मैं उसकी खबर लेता हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। भाई चलना। क्या हुआ? अरे गाड़ी में चल, फिर बताता हूँ क्या हुआ। बेचारे, चल टेप निकाल। पागल है, उधर ही बोल देता ना, इधर क्यों लेके आया? अबे टेप निकाल अभी। दिमाग का वायर थोड़ा ढीला है, टेप का साला कोई पर होता है क्या इधर रोड के आएगा? हाँ काम हुआ? हेलो भाई, वो तो एक ही लाफे में रो पड़ा। बेकार में 6 लोगों को भेजा आपने। अबे उससे कम मत समझ, एक नंबर का कमीना है वो। तू उसे टेप ले और उसका गला काट। बस 5 मिनट में वो काम भी हो जाएगा। Ah! 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 Ah!
अच्छा क्या किया? प्लीज इतना गुस्सा? हाँ बहुत एक्सपेंसिव है, स्टॉप। ये ले। मैडम कुछ आवाज आया? कुछ नहीं, मैं इंग्लिश फिल्म देख रही हूँ। हाँ और ये फिल्म बहुत बड़े बजट की है। स्टॉप! Oh my God! I said stop! Stop! Oh! Stop, please! I'm begging you! Stop! I said stop! I beg you! भीख क्यों मांग रही हो? चलो चलो उठो, पुलिस को फोन करो। लेकिन अगर पुलिस आई तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। और हाँ, वहां तो मेरे भी बाप बैठे हैं, वो तो मुझसे भी ज्यादा डकार लेंगे। या तो तुम अपने पति को फोन करो। लेकिन अगर उसे पता चला तो तुम सड़क पे आ जाओगी, और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। मैं सोता जागता उठता बैठता सिर्फ पैसों में हूं, फिर कभी मेरी वाट लगाने का सोचोगी? मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा? अब मैं और भी पैसा खर्चा करूंगा। मैं कभी फॉरेन नहीं गया हूं, अब जाऊंगा। अगर दूध के साथ करेला खाओगी ना तो उल्टी तो होनी है। वो देख मम्मी पापा जोगिंग कर रहे हैं। ये ऐसा दिख रहा है यार, बहुत छोटा है ना। इस पे अपना नाम लिख दिया है। मुझे तो उस पर कोई नाम नहीं दिख रहा है। क्या हुआ यार? इमेटुआ विजुरी शिका कांबा अराका ओपेरा चेहरा नहीं रे, यूरोपियन वाले नहीं। नहीं बहुत आती है गोवा में ऐसी। यूरोपियन नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तानी है। स्टाइल से तो हिंदुस्तानी भी नहीं लगते। मैं पता लगाता हूँ। कैसे? एक गेम खेलते हैं, मैं भागना शुरू करता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ, फिर मैं उसकी तरफ भागता हूँ, उससे टकराता हूँ, गिरने के बाद कुछ तो बोलेगी। सुपर्ब। तुम मालूम पड़ेगा कि ये मेक्सिकन मलाई है या यूरोपियन माल है या फिर हिंदुस्तानी है। ब्रिलियंट, फैंटास्टिक है। हटके करता। अरे शैंपेन लो ना यार, मेरा सूरज। आओ ये कौन सी भाषा है?
Nyinyi, waandalieni chakula. Sawa sawa, nawaletea chakula. How dare you knock her down? This idiot thinks that you're alone. I am Chu. तिया, मेरा मतलब है क्या? चुनी भाई, ईश्वरचंद मणिलाल चुनी भाई, I am C. यहाँ से 100-100 acres दूर जितनी भी जमीन दिखती है ना आपको इस जंगल में, ये सब मसाई मारा है. मसाई मारा है. तुम लोग को मेरे पे बिलीव नहीं आ रहा? चलो प्रूव इट टू यू करके दिखाता हूँ. अभी फॉर एग्जाम्पल है वो हाथी दिख रहा है तुम लोग को? स्मॉल नहीं, लार्ज वाला. वो हाथी मेरा है. ए रमेश भाई, अभी देख रहे? क्या बनारसी सादा 120 पहुंचा दूंगा ना. गुट को बेंचे आईला गुजराती आती. और वो देखो, वो लाल कपड़े में आदमी दिखता है. ए ज्योति, जय श्री कृष्ण करो सबको. देखा वो है ने, वो मेरा नहीं है, उसकी मम्मी मेरी है. आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी मिसिस की शादी हो गई है. अरे इधर लोग मेरे को अनक्राउन किंग ऑफ मसाई मारा बुलाते, इसलिए तो हर एक काम इसे छोड़, हम पार्टी करने कहां जा रहे हैं? अरे होल एंड होल केनिया का सोल एंड सोल बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजर इधर बैठा और तू इसको पूछ रहा है पार्टी कर सकते हैं? किधर पार्टी करने की है बोलो. अरे तुम्हारे बॉलीवुड के हर आइटम नंबर की आइटम गर्ल सब मेरे पास है. मुन्ने बजा बदनाम कमोन. ये देखा, नमस्कार भी करके गई. जलेबी बाई चल, छलका मिठास कमर से पेट में छाकू दिए इसके. का पिछवाड़ा परमानेंट वाइब्रेशन मोड पे होता है. एंड नाउ फिनाले एच चमे. ये तो विश्व मित्र मुनि, ये है मेरी ओरिजिनल अप्सरा. चल. अरे तुम लोग को एक्सक्यूज मी, ओ एक मिनट. ताली तो क्या, एक्सक्यूज मी, ये लेना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, अंबानी का फोन है. हाँ अनिल, मुकेश. हा? नीता नहीं, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड अंबानी का फोन है. हा? एक मिनट. हेलो अल्फ्रेड भाई, क्या इधर माउंट किलिमंजारो वही आपका इको रॉक लॉज? अगर किसी को पानी में फेंके तो क्या होगा? तो क्या कपड़े गीले हो जाएंगे? चुप साले, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़की की बात कर रहा हूं. ब्लूटूथ बेबी आइला. अबे ये पटाखा भी इस होटल में? आज पता करते हैं कहां से है. मैं यहां से भागूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं उसे पीछे से धक्का दूंगा और पानी में गिरा दूंगा. ओके? ओके. अरे पर इस बार अपनी मदर टंग में कुछ बोलेगी? है बोलेगी. चल सूरज, चल चल भाग ना. सूरज क्या कर? सूरज 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 रुक. अरे भाग.
तुसी फिर से मिस कर गए जी। भाई लोग पंजाबी है पंजाबी। एकी से आप आए? तुसी मुंबई से हो क्या? आपको कैसे मालूम? आज की 3G दुनिया में पूछने की बजाय कोई धक्का दे के जानना चाहे तो वो जरूर मुंबई से ही होगा। आ गया साला साहब, तुझे भीगते हुए देखने थोड़ी भागे थे। What's happening here? अरे मोटा अपने पाप तो हो रहा है। अरे यार क्यों सुबह सुबह उठा दिया? भैया हम लोग एक सफारी के लिए जा रहे हैं। अरे यार रोज जानवर दिखाता रहता है यार, कुछ नया तो दिखा दे। सोने भी नहीं देता है। अच्छा तो ये है तेरी सफारी। लगता है शिकार एकदम तगड़ा होने वाला है। कम ऑन चलो चलो रूट हंटिंग देखने। नहीं यार सुबह 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 खाली तो पड़ने देते पेट। अंधे यार अबे तेरी। और गेट टकलू कैसा है? हाय अपने बच्चों के साथ चल रही है। अरे ये लोग एकदम नजदीक आ रहे हैं। इतने क्यूट है यार। क्या हुआ? मैं हिरन के बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी ये खून खराब अच्छा नहीं लगता। तुम क्या करते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे बिजनेस का टर्नओवर यही कुछ 2500 करोड़ का है। ओह दैट्स ग्रेट। आप सीलिंग जानती हैं? हाँ। सीलिंग से वो एक एल शेप की बिल्डिंग दिखाई देती है? हाँ। वो बिल्डिंग मेरी है। ओह अच्छा। मेरा डॉक्टर हमेशा कहता है कि महीने में एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। मीटिंग्स 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 यू नो। मैं यहाँ आया हूँ अपने बचपन के दोस्तों के साथ। हैं तो निकम्मे मगर दिल के बहुत प्यारे हैं। तभी मैं कहूँ कि वो तुम्हारे बराबर के लगते नहीं है। वैसे आप क्या करती हैं? मैं लंदन में पढ़ाई करती हूँ और मेरे डैड भी तुम्हारी तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे वो मेरे साथ इस ट्रिप में आने वाले थे लेकिन फिर उन्होंने मुझे इस बॉडीगार्ड के साथ भेज दिया। ये बॉडीगार्ड आपका लंदन से है? हाँ, जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मेरे डैड ने इस बॉडीगार्ड को मेरे साथ रखा है। अगर मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ है तो सिर्फ ये बॉडीगार्ड। Hey, he's looking at us. मुझे एक दिन के लिए इस बॉडीगार्ड से दूर ले जाने की हिम्मत कर सकते हो? सुहा, सुहा।
आइटम गर्ल क्या मैजिक करती है बाना, लॉलीपॉप की शौकीन है एकदम। You're a genius, MC. जिम्मी लाल तूने कर दिया कमाल, फंस गई ना मछली कांटे में। चलो अभी चलते, अरे धीरे भाग मोटे ब्रिज गिर जाएगा। बॉडीगार्ड नहीं आएगा जब तक मैं ना चाहूं, वो वापस नहीं आएगा। Why are you tying me up? According to our custom, we tie up the men, then we start. Oh, I see. Open your mouth. Why? Men start crying to one. Okay, much wonderful. Bye. Have a good day. हेलो सेनोरिटा, क्या चाहिए तुम्हें अभी? मुझे $1,00,000 चाहिए। वहां बैठकर ऑर्डर कर रहे हो मुझे, नौकरी हो क्या तुम्हारी? अब सेनोरिटा तुमसे क्या छुपाना, मुझे एक सिंड्रेला से प्यार हो गया है और फेरी टेल में तो सिंड्रेला को सोने का जूता मिला था, है ना? मैं अपनी रानी को एक डायमंड का नेकलेस देना चाहता हूँ। A rich man's love after all, हाँ? इतना सारा पैसा इतनी जल्दी वहां पहुंचाना आसान है? चिल्ला क्यों रही है? मैं इंडिया में नहीं हूं इसलिए, ये पुराने जमाने का ट्रंक कॉल नहीं है, आराम से बात कर, रिलैक्स, काम डाउन। वैसे मैंने सुना है कि वो वायर ट्रांसफर, हवाला, अलाना टिकाना वो सब होता है ना? हाँ, और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में जानता हूँ बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे लिए ये एक सेकंड का काम है। तो मैडम मुझे मेरा पैसा चाहिए। ओके, अपने कमरे में जाओ, कैश वहां मिल जाएगा। Now that's a good girl, huh? Thank you. Woo! Tin tan tan chit tan 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 tin tan 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 chin tan 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 tan. अबे मैं कह रहा था वो लड़की मुझे देख रही है, तुझे क्या काली लड़कियां पसंद है? हमेशा ही रहता है इधर ही, बस जाओ यार। अरे चाबी तेरे पास थी, दरवाजा किसने खोला? Come on! मुझे पुलिस से बहुत डर लग रहा है। यहाँ से भागे तो बचने का कोई तो चांस मिलेगा, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो सारी जिंदगी हमें जेल में गुजारनी पड़ेगी। चलो यहाँ से।
यार। चुप साले। साले उन भूखे चोरों ने सुन लिया तो यहाँ मैं हफ्तों तक रखकर खाएंगे। अबे चुप, नहीं तो सबसे पहले तुझे खाएगा। Thank you.
बिना पासपोर्ट और पैसों के इंडिया वापस कैसे जाएंगे? प्लीज हमें वापस जाने दे यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। प्लीज मैडम, मेरे सारे दोस्त सड़क पे खड़े मैडम, हमारे पास ना पासपोर्ट है ना पैसा। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो मैडम, आप हमें इंडिया वापस लैंड करवा दीजिए मैडम। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लैंड करते आपको मैं वो टेप वापस कर दूंगा मैडम। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा कि इतने सारे पैसे खर्च करके मैं तुम्हें विदेश भेजूंगी? तुम सारी जिंदगी अमीर रहना चाहते थे ना, अब सारी जिंदगी जेल में मरोगे। तुम्हें पता है उस देश में हाथी के दांत काटना कितना बड़ा जुर्म है? नहीं मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो मैडम प्लीज। एक दूध के साथ करेला खाओगे तो उल्टी आएगी ना रोमियो। बाय। तुम कितनी बेरहम हो मैडम, एक लड़का यहाँ रो रहा है और तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ कि बिना बैकअप के यहाँ चलाऊंगा? हाँ बॉक्स करके एक चीज होती है, ईमेल है, चेक करो। क्या हुआ मैडम? ये तो सिर्फ वीडियो का एक फ्रेम था, अगर मैंने एक बटन दबा दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी खूबसूरती YouTube पे देखेगी। और अगर तुम्हारे पति को ये ईमेल भेज दिया, उस बेचारे को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर। वैसे उसका ईमेल एड्रेस है rahulraj@yahoo.com, है ना? प्लीज, दांत भी नकली थे, खून भी नकली था, पुलिस और गुंडे सब मेरे ही लोग थे, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम जो चाहो मैं करूं। प्लीज डोंट डू एनीथिंग, तुम्हें एक लाख डॉलर भेजू। तू पागल हो गया? देख सूरज, वैसे भी तू अपनी सारी जिंदगी अमीर ही रहने वाला है, तो फिर तू ऐसे सब कुछ क्यों बिगाड़ना चाहता है? मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे प्यार की शुरुआत एक झूठ से हो। सूरज 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 क्या कर रहा है? अरे तू बात तो सुन। अरे इसने उस पर अपना नाम लिख दिया, अब इसे कोई नहीं रोक सकता, सब बिगाड़ दिया। Yes. Is Sherry there? Sherry? Who's Sherry? We're knocking the wrong door. Excuse me. There was a lady in room number 34. Three people came here last night, took her away. रोमियो, लड़की को ढूंढ रहे हो? उधर वो मिलेगी कैसे वहाँ जब मैंने ही उसे किडनैप कर लिया? हाँ? उसे कुछ करना पड़ता। रिलैक्स, काम डाउन, फ्लाइट लो, इंडिया आ जाओ,
टेप मुझे दो, लड़की ले लो। तुम्हें अपना प्यार चाहिए या अमीर जिंदगी? दुनिया की जिस कोने तक इंटरनेट अवेलेबल है, मैं तो तुम्हारी गुलाम हूँ ही। rahul306@gmail.com ये मेरे पति का दूसरा ईमेल आईडी है, तुम अपना ईमेल भेज दो और उसके दूसरे पल ही मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की छोटे स्लाइसेस भेजूंगी। प्लीज उसे जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या प्यार? प्यार का जोर तो देखो, कैसे गरजते हुए शेर को चूहा बना दिया। उसे छोड़ दो। टेप कहाँ है? ये पेन ड्राइव में है। बस मैंने सारा डेटा इसमें ट्रांसफर कर दिया है और इसे अपने गले में लटका लिया। इससे ज्यादा सेफ जगह और कौन सी हो सकती थी? लेकिन हम कैसे मान लें कि तुमने इसकी बाकी कॉपीज नहीं बनाई हैं? अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि सिर्फ यही एक कॉपी थी मेरे पास? अच्छा एक काम करो, मैं जानता हूं तुम्हारे पास गन है, मुझे मार दो, बस शेर को जाने दो। छूने से तो सुख मिलता है ना? सिर घूम रहा है? मैंने उसे किडनैप नहीं किया था क्योंकि मैंने ही उसे भेजा था। IMC बॉडीगार्ड सब मेरे ही बनाए हुए हैं। क्या करूं? इस बॉडीगार्ड से दूर ले जाने की हिम्मत कर सकते हो? जो भी उसने कहा उसने नहीं, मैंने कहा। After all, a rich man's lover. तुमने उसे नाटकने के लिए जरूर कहा होगा, लेकिन जो प्यार उसने मुझे दिया था वो सच्चा था। शेरी! पलों में तो तू मरने ही वाला है, फिर क्यों चिल्ला रहा है? मेरा दिल तो पहले ही मर चुका है, अब क्या फर्क पड़ता अगर तुमने मेरे दिमाग में एक गोली डाल दी तो? Go ahead. लेकिन अगर मैं मर गया
तो तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, अगर मैंने अपने दोस्त को कुछ ही पलों में फोन नहीं किया तो वो तुम्हारी बीवी को एक एनवेलप देगा। अपने सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके पूछो कि हरे शर्ट में एक लड़का खड़ा है कि नहीं। सिक्योरिटी, वहां कोई हरी शर्ट पहन के बाहर खड़ा है क्या? नहीं सर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। सर, टैक्सी में से एक आदमी आ रहा है। मैडम से मिलना। पर ये तो कह रहा है कि मैडम से मिलना है। उनको ये लिफाफा देना है। सर, कोई लिफाफा? कौन है गेट पर? रेडी है, रेडी है। मैम, मैम, अरे तुम रुको, रुको, से अंदर मत जाने दो, बाहर रुको, से उसे बाहर धकेलो। अरे भाई रुको रुको, एक मिनट बात तो करने दो। दिल भी देखती है, तुम उसे वापस बुला लो प्लीज। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। प्लीज प्लीज उसे वापस बुला लो। शेरी का ड्रेस क्या है? ए साला, साली खाट खाट का पानी पी कर रही, मेरे सामने भोला बनने का नाटक कर रही थी। तेरे बाहर निकल। ओहो, दादी जी आप भी यहाँ पे? प्रणाम। प्यारी बुढ़ी, राम राम जपते जपते अपनी पोती की गंगा मैली करवाई तूने। तो क्या रही है, बाहर निकाल उसे। ओहो, यहाँ तो पूरा हैप्पी फैमिली है, दादी पापा और तू। तू माँ है ना उसकी? हाँ, जब तेरी बेटी मेरे गले लिपट के आई लव यू गा रही थी, तब किधर गया तेरा ये भोला चेहरा? चल बुला उसे। मैं यहां चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ रहा हूं, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं? ये शेरी का ही घर है ना? बोल, क्यों गया था कमिश्नर के घर पे? बोल, कमिश्नर के घर पे जाके दादा की नहीं करता है? अरे शिंदे। यस सर। ये सुबह सुबह किसकी ठुकाई हो रही है? सर, जॉइंट कमिश्नर के घर में घुसकर हंगामा किया इससे। सर, तमीज सिखाओ इसे ठीक से। बोल, क्यों मार रहे हो इसे? मेरे ही थाने में मेरे भांजे की पिटाई, किसके ऑर्डर से हो रहा है ये? सर, एडिशनल कमिश्नर साहब की ऑर्डर है सर, ये आप उनसे बात कर लीजिए सर। मैम, आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? दरअसल सर, वो मेरा भांजा है। क्या क्या जमाना आ गया है, कभी नहीं सोचा था कि पुलिस वालों के लोग भी ऐसे होते हैं। अरे वो तो बिल्कुल संका हुआ था, घर में घुसते ही शेरी शेरी चिल्लाने लगा। अरे हमें क्या पता ये शेरी कौन है? वो लौंडा मेरे घर के अंदर आके चिल्लाया, मेरे परिवार को गाली दी। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ, एक गुंडा तुम्हारा भांजा है और तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो? सर, सूरज को माफ कर दीजिए सर, एक्चुअली वो इंसान बुरा नहीं है सर, हालातों ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। बचपन में अपनी क्लास में फर्स्ट आया करता था सर, अगर आप उससे उस वक्त मिले होते आप भी उससे प्यार करने लगते। इतिहास और भूगोल में 95, मैं तुम सबको भी वही पढ़ाता हूं जो इसे, फिर इसके ऐसे मार्क्स क्यों आते हैं? मैं तुम्हें, मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक इनाम, ताली बजाओ और जोर से। नहीं 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 नहीं, गलत, सब कुछ गलत सलत लिख दिया है। ऐसे करके तुम मेरी ईमानदारी पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, चले जाओ ऐसे। नमस्कार सर। आपका काम मैंने कर दिया है सर, इसीलिए तो आया हूँ। ऐसा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अंदर अंदर अंदर। मैं शाम को अपने बच्चे को आपके घर भेजकर मंगवा लूंगा। अच्छा, पेपर में रैप करके दे देना। बाय बाय, हर मिलते हैं।
कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना जो अच्छा ठीक है। मामा देखिए मुझे कितने अच्छे नंबर मिले हैं। अरे वाह क्या बात है भांजे लाल, तुमने तो बेटे अपने मामा का नाम रोशन कर दिया। हाँ तुम्हारा बाप तो सिर्फ एक वीडियो है, तुम बनोगे कलेक्टर देखा, बस आया पूरी क्लास में। पापा हाँ मार्क्स दिखाना अपना। हाँ अरे आप आज ही आए हो, आज ही वापस जा रहे हो? बस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अच्छा अच्छा पापा मेरे मार्क्स देखिए। वो मैं बाद में देखता हूँ, पहले काम करो बेटे। पैट्रिक अंकल है ना चर्च के पास, उनके घर जाओ, वो एक छोटा पैकेट देंगे उसे ले आओ। ठीक है पापा। सुनो इसे मैं मुंबई ले जाऊं, अच्छे स्कूल है, मेरे साथ रहेगा पढ़ भी लेगा। मैं यहाँ का बीडीओ सारी स्कूल्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, आप परेशान मत होइए, ये यहाँ पर ठीक है। जाओ जाओ बेटे जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ये लो लो जाओ जल्दी लेके आओ। ड्राइवर इन्हें बस स्टॉप तक छोड़ के आओ। चलता हूँ। कैसे चलेगा यार, तुम कौन हो? वीडियो का लड़का हूँ। वहाँ एक पैकेट पड़ा है वो दो तो। ये चेक कर लेना। सूरज चलो उठो, तुम्हारा ध्यान किधर है? कल की शाबाशी तुम्हारे सिर पे चढ़ गई है क्या? बोलो मैं क्या पढ़ा रहा था? चलो हाथ लाओ। अच्छा भला था, पता नहीं क्या हो गया इसे। बेटा वो बगल वाली गली में आनंद सिंह का घर जानते हो, जिनकी चार पांच लॉरियां? जी। जाओ उनके घर जाके कल जैसा पैकेट ले आओ, जाओ जल्दी। जी पापा। संभालूं क्यों जा? हाँ इतनी देर कहाँ थे? वो कहीं गए हुए थे। ठीक है पढ़ाई करो। यस द गॉड इज अपीयर बिफोर द पुअर मैन। इस दोहे में आई हुई गिनतियों को जोड़ करके बताओ। 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो बच्चों बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को अरे रुको लाइन से ये लो पैसे, सबको आइसक्रीम दो अंकल, सबको मिलेगा पीछे हटो जरा, ये लो खाओ अच्छी आइसक्रीम है। हां बाबा तुम भी लो। बहुत मजा आया। अरे इसको दे।
पापा। क्या है बेटा? आज मुझे कहीं से पैकेट नहीं लाना है क्या? चुप रहो, दांत तोड़ दूंगा, पढ़ाई करो। आज तू पसंद आया कि नहीं? आ, डियर, यानी प्यारा। चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। यानी हिरन। खट्टी मट्टी, आइसक्रीम ले आओ। सबको आइसक्रीम दो। पहले पैसे दो। वीडियो का लड़का हूँ, पैसे मैं दे दूंगा, तुम बस सबको आइसक्रीम दो। ₹100 निकालो। ₹100 ना, कल ले लेना। तू अभी निकाल पैसे, वीडियो का लड़का है तो क्या हुआ? हाथ हटाओ। ₹100 ना, तुम इधर ही रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। पापा ने अभी ₹2000 मंगाया है। पर हिसाब तो बराबर हो गया है। कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी होगी इसीलिए तो लड़के को भेजा है, दे दो। ये लो। पैसा चाहिए। मेरे नाम पे पैसा ले रहे हो? बड़ा हो गया तू, तुम्हारी हिम्मत कैसे उनसे पैसा लेने की? आप भी लियो तो सही और मैंने लिया तो गलत। अरे ये खाली पेपर दे दिया। सूरज, वीडियो है अंदर। जाओ बाबू। अगर इस तरह की शिकायत दोबारा आए तो आपके खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अरे 10:30 बज रहे, एग्जाम नहीं दिया क्या? क्या करे, दिमाग में तो सब है पर पेन तक आता नहीं। आप एक काम कीजिए, हेडमास्टर को फोन करिए और उनसे कहिए कि मुझे पास कर दे। एक छापड़ दूंगा। अगर आपने हेडमास्टर को फोन नहीं किया तो इसी वक्त मैं पुलिस को बुलाकर उन सारे लोगों के नाम लूंगा जिनसे आपने रिश्वत ली है। फोन करो। मेरी रिश्वत ना लेने का कारण उसका उजड़ा हुआ कल है सर। तुम्हारा पुलिस में अच्छा रिकॉर्ड है सिवरे सर। तुम्हारे कहने पे उस लौंडे को मैं छोड़ रहा हूँ सर। अगर दोबारा ऐसा हुआ। नहीं सर, ये गलती दोबारा नहीं होगी सर। ठीक है, उसे ले जाओ। थैंक यू सर। मैडम, मैं ये खेल खत्म करता हूँ। अब भी तुमने अपने गुंडे भेजे, फिर शेरी का गलत एड्रेस दिया, तुमने मेरे दिल के साथ खेला है। खुलो। रहती है सिर्फ बंगलों में नहीं, आउट हाउस में। और वो शहरी नहीं है, उसका नाम राधिका है। मैंने उसे 5 लाख दिए
और कहा एक हफ्ते के लिए नाटक कर लो। अभी मैं पूरी लाइफ उसे नाटक थोड़ी करवाऊंगी। तुमने उसे 5 लाख दिया ना एक हफ्ते के लिए, अब 5 करोड़ तो या 50 करोड़, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे हमेशा के लिए। तुम ऐसे पैसों से प्यार को कैसे खरीद सकते हो? ठीक है मैं तुम्हारे पास। काम हो गया, अब मैं जाऊं। तुम कैसे जा सकती हो? मैंने तुमसे कहा था इसे मेरी जिंदगी में लाओ। अब तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक ये मेरी नहीं बन जाती, समझे? ओए लंदन क्वीन, ए खाली रुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुमने अमीर होने का नाटक किया और मैंने भी, उस एक्टिंग से इस एक्टिंग का हिसाब बराबर, समझे? तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मैंने तुम पे अपना नाम लिख दिया है। ठाक नाम लिख दिया है? और मैं क्या कोई ब्लैक बोर्ड हूँ जिसपे अपना नाम लिख दोगे? मैंने तुमसे अमीर बनने का नाटक किया लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, क्या तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था? हाँ, वो भी एक नाटक था 5 लाख रुपए के लिए जो मेरी माँ मुझसे चाहती थी। इतना रुपया? चलो निकलो बाहर, जाओ खेलने। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है। वो चाहते हैं कि किसी लड़के के साथ प्यार का झूठा नाटक करना है, बस उसका 5 लाख रुपया। इसे तो अच्छा मैं मर जाऊं। क्या कहा तूने? मर जाओ? अरे क्या करवाती हूँ, सिर्फ प्यार का नाटक करने के लिए कह रही हूँ, उसके साथ जाने के लिए नहीं। निकलो इधर से। क्या बात है, कहाँ से आएगा पैसा? इतना पैसा कभी देखा है तुमने? देखा है? देखिए पैसा, वहाँ जाने दो। देखा है तुमने कभी? अरे भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है, ऊपर से इतना पैसा भी दे रहा है वो। अरे लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं करूंगी। तो हम भी मर जाते हैं। आप जैसा बोलोगे मैं करूंगी माँ, प्लीज। सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए तुमने मेरे दिल से खेला। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की कहानी और मेरे लिए मेरी माँ की। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने। तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वो लेडी रावण है। फिर तुम्हें उनका असली दामाद होना है ना? तुम उनके साथ मत खेलो, सिर्फ घर में घुसने से तुम्हारी कितनी पिटाई हुई। 18 साल से मेरी माँ वहाँ काम कर रही है, उनके एक बार कहने से कमिश्नर कुछ भी करेगा। मेरी माँ मेरी शादी एक अमीर आदमी से करवाना चाहती है और उन पैसों से वो मेरी दोनों बहनों को बड़ा करना चाहती है। अगर मैं तुम्हारी माँ को 5 करोड़ रुपए दूँ तो क्या वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है?
जानू कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो, जब किसी के पास तुम जैसा प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला हस्बैंड हो तो कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? घर के अंदर तुम मुझे रानी की तरह रखते हो, दुनिया वालों के सामने देवी जैसे पूछते हो, व्हाटएवर आई वांट यू गिव इट टू मी, कभी पूछने तक नहीं किए इतने सारे रुपए निकाले और कहां कहां खर्चे किए, यू नो कोई तरह की रोक टोक नहीं, कोई बाधाएं नहीं, नो रूल्स नो रेगुलेशंस, नो शिज, आई एम जस्ट सो लक। मैंने बस ऐसे ही पूछा था। She's talking so much. She's in trouble. கவர் ஸ்டோரியில் போடுங்க சார். We are number one detective agency in Chennai. We are helping police department many cases. Yes. Thank you. इस फार्म हाउस में मैं पहले तीन बार आया हूँ। जब भी आया हमेशा धूमधाम पार्टी शोर को लगी देखा। ऐसा क्या हुआ जो तुम आज अकेले बैठे हो? तुम्हारा हक में हंसू? हे, मैं सिर्फ प्राइवेट डिटेक्टिव ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा क्लासमेट हूँ। मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, किसके बारे में पता करना है? मेरी बीवी। मेरी बीवी पर नजर रखने के लिए कह रहा हूं तो गलत मत समझ। वो मेरी बीवी है। She is the first soul for me in this world. वो बुरी है ये सुनने की मुझ में ताकत नहीं, पर वो जरूर किसी मुसीबत में है और मुझे उसे उस मुसीबत से सावधानी से बाहर निकलना है। जब एक औरत किसी पराए मर्द का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाती है तो कोई भी पति गलत सोचेगा, मगर मैं वैसा नहीं हूं। क्या पति का दिया हुआ प्यार पैसा इज्जत से भी पत्नी सेक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती? नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता मेरी बीवी ऐसी है। देख गणेश, तू उस एंगल से छानबीन करेगा तो मैं मानूंगा ही नहीं। तू अपने टेंशन मुझ पे छोड़ दे और रिलैक्स हो जा। मैं तेरे सामने सारी सच्चाई रख दूंगा, वो भी सबूत के साथ। ओके? थैंक्स। लगता है राहुल को शक हो गया है। ये सब तुम्हारा वहम है। मैं जानता हूं अपने दोस्त को, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। लेकिन मुझ पर है। इसका इलाज बताऊं? आओ मेरे पास। तुम मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो? यार, तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझ रही हो? ये प्यार नहीं है। मगर मैं तुम्हें उस दिन के बाद भुला नहीं पा रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही हो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। हेलो। हेलो मैम। कौन? इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गई तुम? तुम बार बार क्यों परेशान कर रहे हो फोन करके? तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे रही हूँ ना? मैं पैसों से पक चुका हूँ। oh, आंखें बंद करूँ तब भी वो मेरे सामने रहती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और तुम ही उससे मिलाओगी। हाँ या पिंप? क्या मैंने तुमसे कहा था ये गेम खेलने को? हाँ, अगर खराब आदमी के साथ गेम खेलोगी तो इतना याद रखो उसमें कोई रूल्स नहीं रहते। मैं देखता हूँ उसका क्या करना है। प्लीज, सब प्रॉब्लम की वजह तुम ही हो, मैं खुद संभालूंगी। जाओ, प्लीज गो। बालकनी में चार नए क्रीम्स पड़े, जरा लेके आओ। मेरी माँ यहाँ पे है। वो 5 मिनट में चली जाएगी। राधिका को मैं छोड़ दूंगी, तू निकल जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। तुम्हारा प्यार सच्चा था,
अब अगर तुम इस प्यार से इनकार करोगी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मत कहो कि तुम नाटक कर रही थी। क्या वो किस भी एक नाटक था? हाँ अचानक वापस कैसे? कुछ नहीं, कुछ फाइल्स भूल गया था। तुमने तो कहा था कि योगा ने तुम्हारी याददाश्त ज्यादा तेज कर दी है। क्या करूं, मेंटल प्रेशर कभी कभी योगा को फेल करा देती है। तुम तो ऐसे टाइम पे मसाज करवाती नहीं, तो फिर इस वक्त मसाज क्यों? सवाल करोगे? नो नो जानू, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं सोच कुछ रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ। सी यू जानू। I'm sorry, ma'am. तुम मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? ये तुमको यहाँ पे क्यों छुपा रही थी? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम बॉयफ्रेंड हो उसके? तो शट अप। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि ये चल क्या रहा है। तुम प्यार करते हो मुझसे? अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो मेरे साथ? तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? मैडम इस प्रॉब्लम में है। एक बात बताओ, अब सारे फैसले तुम्हारा दिमाग करेगा या तुम्हारा दिल? अगर फैसला तुम्हारा दिल करेगा तो ये सारी चीजें उन्हें देकर तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन अगर फैसला तुम्हारा दिमाग करेगा तो मुझे भूल जाओ और ये सब चीजें अपने पास रख के आराम से एक अमीरों की जिंदगी बिताओ। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ साथ तुमने पैसे पे भी अपना नाम लिख दिया है। अगर पैसा चाहिए तो प्यार को भूल जाओ और प्यार चाहिए तो पैसे को भूल जाओ। छोटू इधर आ, ये ले, चाह अपनी जिंदगी बना ले, याद से तेरी। कभी कभी तो दिल ने सच कहा, कभी कभी दिल ढूंढे रे सुकून। पिक्चर का सीडी छोड़कर और कुछ नहीं है। आज तक जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।
करोड़ों दिए, धमकियां दी, इतना डराया। मैं गिर-गिर के गिर-गिर आई, लेकिन इसने मुझे टेप्स वापस नहीं दी। पर तुमने उसे सिर्फ एक बार कहा और उसने मुझे सब कुछ वापस कर दिया। थैंक यू राधिका, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लो आज। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम। जिंदगी बदले रे हर एक पल। देख रहे हो ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इनका भी सपना है, इनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, और इसी सपने को पूरा करने के लिए ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी एक दिन की कमाई सिर्फ 100 रुपए है, और किसी एक दिन अमीर बनने की उम्मीद ही इन्हें मेहनत करवा रही है। भैया ऑटो रोकिए, जाओ। यहाँ पे 200 दुकानें हैं और यहाँ पे भी। हर एक दुकान में जाकर एक नौकरी मांगो, वो चाहे तुम्हें जितने भी पैसे दे, मुझे मंजूर है। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। चलो भैया। कभी कभी तो दिल ने सच कहा, कभी कभी दिल ढूंढे रे बदले रे हर एक पल। सरप्राइज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी। तुम हर बार मुझे झांसा देके निकल जा। ऐसा भी नया क्या मांग रहा हूँ यार? मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं बुला पा रहा हूँ। आजकल मैं राहुल से नजरें नहीं मिला पाती। छोड़ो मुझे, बस एक आखिरी बार। लव मी, आई लव यू। एक बार, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। जस्ट लास्ट वंस, बस एक बार। अगर तू 1000 बार भी गिट गया तो मैं मानने वाली नहीं। और अगर एक बार धमकी दूं तो? सूरज ने जो पेन ड्राइव लौटाई है वो मेरे पास है। कमाल का शूट किया है। अगर मैं अपना चेहरा धुंधला करके उसे इंटरनेट पे डाल दिया तो तुम्हारा पति तो मर जाएगा। थैंक यू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। किसी का विश्वास तोड़ने का दुख क्या होता है, तुमने मुझे आज एहसास दिला दिया। गाड़ी चलानी आती है? जी। ईमानदारी से काम करोगे? 8000 रुपया महीने का दूंगा। अच्छा काम करोगे तो 2000 बढ़ा दूंगा। मेरे लिए 8 लाख के बराबर है। मैं उड़ रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतना बदल जाओगे। और मैंने सोचा ही माँ कौन है रे तू? करो माँ,
मेरी बेटी सड़क छाप रोमियो ढूंढ कर लाई है। अरे इसकी शादी तो मैं किसी पैसे वाले के साथ करूंगी। तू बीच में आने वाला कौन होता है? औरत है तू? आपकी बेटी की कुंडली में सिर्फ एक नाम लिखा है, मेरा। चल हट प्लीज मां। 8,000? अरे तू तो 8,000 कमाने वाला भिखारी है। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? हाँ पैसा ही सब कुछ होता है। अरे तेरे साथ फेरे लेकर इसको क्या भीख मंगवाऊंगी मैं? खबरदार दोबारा इसके साथ नजर आएगा तो। माँ प्लीज तुझे कुछ नहीं करूंगी, इसे जला डालूंगी मैं। हाँ और इसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा तू। चल इधर से, चुपचाप चल इधर से, जल्दी है नहीं। तुम्हारे सपोर्ट से वो लड़की उठाने के इरादे में है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे शरीर पे ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, समझे? यस सर। 24 घंटे बाद तुम्हारा भांजा इस शहर में दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं अभी उसे गांव भेज के आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। सर मैंने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज तुम मुझे बताओ, क्या तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो? मैं गोवा वापस जा रहा हूं। अकेले? उस लड़की को भी साथ ले जाओ। तुम पर आज तक किसी ने कोई भरोसा नहीं किया है, लेकिन तुमने उस लड़की का भरोसा जीता है, उसका दिल जीता है तुमने। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। लेकिन वो एडिशनल कमिश्नर सैलरी के लिए मैंने जिंदगी भर गालियां और डांटे खाई हैं, इस बार भांजे के लिए सही। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, भांडो भेज देगा, चले जाएंगे। अरे कुछ मत बोलो, खुशी खुशी जाओ। खुश रहो। फिर से फोन क्यों कर रहे हो तुम? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? देखा, जब मैं बुरा होके आपको फोन करता था तब आप कोई सवाल नहीं पूछती थी, अब जब अच्छा बन के आपको बुला रहा हूँ आप मुझसे सवाल कर रही हैं। अच्छा बताओ कहाँ हूँ मैं? वाओ, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। किस लिए? शरियो, मेरा मतलब है राधे को और मुझे मिलाने के लिए। मेहनत की कमाई क्या होती है ये उसी ने मुझे सिखाया है। थैंक यू। तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो गलती ही मेरी स्टाइल बन जाती। जब तीसरी किसी के सामने पोल खुलती है तब पता चलता है कि चुन कितना बड़ा होता है। तुमने मेरे सोए हुए गिल को जगाया है सूरज। राधिका और मैंने केन्या जाने का फैसला कर लिया है। टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ गई है और हिंदी बोलने वाले बहुत कम हैं। तो तुम्हें रुपए चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मैं जाकर सेटल नहीं हो जाता आप उसकी दोनों बहनों का ख्याल रखिएगा प्लीज। So happy for you.
पेकिनिया में इसकी दो टिकटें, हम दोनों नैरोबी जा रहे हैं। तुम्हें काम करना, कल सुबह जब घर से निकलोगी और ध्यान से निकलना, देखना कि तुम्हें कोई देख ना ले, अपनी बहन की मदद ले लेना। 40 मिनट में तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, एयरपोर्ट पहुंचते ही बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेना, अगर पुलिस को मालूम पड़ गया वो हमें एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेंगे, कुछ भी हो जाए। तुम वहां से बाहर मत निकलना, मैं कुछ भी करके अंदर आ जाऊंगा। आई लव यू, चले लेट्स गो। ये पकड़ो अपना एडवांस, कल उसका आखिरी दिन होगा, और एक बात याद रखना, मुझे वो जिंदा चाहिए, कोई गन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे मैं मारूंगा, और अगर कहीं वो मर गया तो अपने बाकी के पैसे भूल जाना। क्या हुआ, तू बोल रहा था कुछ अर्जेंट है? हाँ बैठ। एनी प्रॉब्लम? मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। देख ऐसा नहीं हो सकता, somebody must be jealous, उसने अफवाह फैलाती होगी। मोनिका को मैं अच्छे से जानता हूँ, मोनिका ऐसा नहीं कर सकती। See this photographs. फोटो? ये तो एकदम मवाली की तरह दिखता है। तुम्हें बता मैं क्या करूं? देख रहा हूं, तेरा सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक 6 साल का प्यारा सा बच्चा है, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। नहीं, आई शुड पनिश। अरे सजा अगर देनी है तो इसे दे, इसी ने कराया होगा सब कुछ। हमारी मोनिका तो भोली है, वी शुड किल हिम। तो ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। We should kill this bastard. Yes. I should kill this bastard. के फोटोस नहीं देखे अभी? अपने जिस दोस्त पर भरोसा करके उसे अपने बेडरूम तक आने दिया, उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। ये बात जानकर जिसकी एंट्री हुई वो सूरज है, और मैंने कुछ वीडियोस उस कैमरा से लिया जो तुम्हारी परमिशन से मैंने तुम्हारे बेडरूम में लगाया था। अब वीडियो भी देख लो। राहुल से नजरें नहीं मिला पाती। Love me. I love you. अगर तू हजार बार भी खिट गया तो मैं मानने वाली नहीं। एक बार अगर मैं अपना चेहरा धुंधला करके उसे इंटरनेट पे डाल दिया तो तुम्हारा पति तो मर जाएगा। आजकल आशीष का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता। Don't ever doubt him, जानू। वो मेरा 20 साल से दोस्त है, दोस्ती में धोखा किया, गलती नहीं, दोस्त की बीवी के साथ अफेयर किया, गलती थी। आप जाइए सर, झाड़ियों में गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दूंगा। अगर पुलिस पता लगा लेगी तो बोलूंगा मैंने मारा है इसे, और जितनी रकम आपने मुझे दी उतने में तो मेरी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएगी। आप जाइए सर।
गलत आदमी को अपना दोस्त बनाकर उसे अपने बेडरूम तक आने दिया। गलती मेरी है। आंख बंद करके उसे तुम्हारे साथ आजादी से घूमने दिया। गलती मेरी है। पैसे कमाने की दौड़ में तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल सका। गलती मेरी है। मुझे माफ कर दो जानू। कल की सुबह के साथ आप बेदाग हो जाओगे। यू स्लीप पीसफुली। मामा मैं चला। अरे नहीं नहीं, आई विल ड्रॉप यू। भाई वो इंस्पेक्टर के साथ आ रहा है। चलो बैठो। मामा मैं चला जाऊंगा। अरे वो अकेला रहे, अकेला रहे। हाँ भाई वो अपार्टमेंट से निकल गया। ऑटो
Excuse me, madam. Are you flying Pakenia Airways? Kindly quickly proceed for boarding. They'll be closing shortly. Diaper! उसको गेट नंबर 2 पे छोड़ गया। ए हमारा नेता आ गया। के पैसे में से 5 करोड़ तूने चूस लिए, वो गलत नहीं, मगर मेरे परिवार का राज तू जान गया, वो गलत है। कभी कभी तो दिल ने सच कहा, कभी कभी दिल ढूंढे रे सुकून, जाने ना कहां ख्वाब लेकर चला, जाने ना